चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में कोयला उत्पादन की शुरू उद्घाटन में पहुंचे डीसी एवं एसपी। केरेडारी एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में दिनांक 29 सितंबर 2022 को कोयला उत्पादन की शुरुआत। आज का दिन एनटीपीसी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौधरी, कोयला खनन के क्षेत्रीय कार्यकारी निर्देशक पार्थ मजुमदार तथा चट्टी बरियातू के महाप्रबंधक बीएम सिंह एवं केरेडारी परियोजना के महाप्रबंधक फैज तैयब ने संयुक्त रूप से परियोजनाओं के सभी अधिकारीगण कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो कि चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना का खनन कार्य 25 अप्रैल 2022 को आरंभ हुआ था और खनन कार्य आरंभ के एक माह के अंतराल ही परियोजना ने दिनांक 21 मई 2022 को कोल सीमा प्राप्त कर लिया था। परियोजना की इस उपलब्धि का सारा श्रेय जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग एवं परियोजना के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जाता है। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय एवं पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने एनटीपीसी क्षेत्रीय कार्यकारी निर्देशक पार्थ मजुमदार एवं सभी अधिकारियों को प्रथम कोयला उत्पादन की बधाई दी। इस शुभ अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी मुख्य अतिथियों ने पगार साइट कार्यालय में पौधारोपण किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक बीएम सिंह ने प्रथम कोयला उत्पादन की खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब चट्टी बरियातू परियोजना एनटीपीसी की चौथी उत्पादक खदानों की श्रृंखला में शामिल हो गई है। चट्टी बरियातू परियोजना की पकड़ी बरवाड़ी, दुलंगा और तलाईपल्ली के साथ देश के विभिन्न संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता कराती है। चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना का उच्चतम उत्पादन 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष रहेगा। एनटीपीसी हमेशा से ही देश विद्युत उत्पादन के साथ कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। परियोजना की तरफ से एनटीपीसी के बिजली संयंत्रों में भेजे जाने वाले कोयले की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एनटीपीसी चट्टी बरियातू एवं केरेडारी परियोजना निगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विस्थापित ग्रामों में तरह तरह के सामाजिक कल्याण के कार्य नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग केंद्र, मेडिकल कैंप सुविधा, स्वरोजगार प्रशिक्षण वितरण समारोह आदि। शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना हमेशा से तत्पर रहती है। परियोजना प्रभावित ग्रामों के विद्यालय में स्मार्ट क्लास की सुविधा, स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालयों का नवीनीकरण, खेल सामग्री वितरण समय समय पर आयोजित करती है। एनटीपीसी राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी का प्रायोजक भी है। मजुमदार द्वारा पांडुग्राम में स्थित LNT पाइप कन्वेयर साइट का निरीक्षण किया। पांडुग्राम में स्थित SISF बैरक का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कोयला खनन मुख्यालय से महाप्रबंधक तरुण कुमार एवं परियोजना के अपर महाप्रबंधक विनय कुमार, VC दुबे, SP गुप्ता, सीताराम माझी, मानव संसाधन विभाग के कालिया एस मूर्ति, उप महाप्रबंधक यतीश कुमार, नीरज गौतम, रमेश कुमार, सुरक्षा अधिकारी बड़ा बाबू, योगेश कुमार, अनिल गुप्ता, जॉय मुखोपाध्याय, अशोक कुमार, मनोज बेहरा, संजय मेहती, रवि टुंडू, अनवर मंडल एवं CBCMPL कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी सतीश और LNT के परियोजना प्रबंधक परमहंस सिंह एवं व अन्य ग्रामीण भी उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं।